सो ए गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अक्षत बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूँ अपना पहला स्पॉन्सर्ड स्टैक। जी हाँ, तो भाई एक बात बता दो तुम लोग को कि एक टाइम था जब ना एक प्रोटीन खरीद पाता था, ना एक पीनट बटर खरीद पाता था, मतलब खरीद पाता एज इन कि बहुत देर वेट करना पड़ता था कि अरे यार अब ले लूँ। 600-700 रुपये का डब्बा आता भाई, कैसे हर महीने बार बार मुँह फाड़ देते थे। 600-700 रुपये, फिर 700 रुपये गए। और पीनट बटर का डब्बा ना एक महीने तो पूरा चलता भी नहीं था यार, मतलब 15-16 दिन में ख़त्म भी हो जाता था वो। फिर फिलहाल थोड़ा बहुत मेहनत किया मैंने इंस्टा पे और अकाउंट ग्रो किया अच्छा। आज से 3 महीने पहले मेरे को मिल चुका था अल्पिनो का स्टैक, मतलब अल्पिनो की स्पॉन्सरशिप मिली थी, बट उनके साथ बाटर कोलैब था और वो मेरा आया था 20K पे, ठीक है। फिर अभी मेरे पास आया है एक न्यू ब्रांड का जो कि है एज इट इज़ का। तो भाई अभी तो वो निकल चुका है डिलीवरी के लिए और मेरे पास मैसेज आया था, तो मैंने कहा इसकी स्टार्टिंग अभी से करूँगा क्योंकि मेरे को ये व्लॉग तो बनाना ही बनाना था किसी भी हाल में कि रिवीलिंग माई फर्स्ट स्पॉन्सर्ड स्टैक। भाई एक वैसे स्पॉन्सर्ड तो अल्पिनो का भी था बट इसको मैं ज़्यादा मानूंगा क्योंकि ये मेरा प्रॉपर उसकी तरफ से आ रहा है कि ये पूरा एक तो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है बाकायदा। अल्पिनो में कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं साइन हुआ था एक्चुअली, वो बस अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे थे, मेरे को शो करना था उनके प्रोडक्ट को। फर्स्ट टाइम में भी अच्छा आया, सेकेंड टाइम में भी अच्छा आया, थर्ड टाइम में भी अच्छा आया, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अब, ठीक है। पहले दिखाता हूँ अल्पिनो और फिर बात करते हैं इसके बारे में। देखो ये है अल्पिनो का स्टैक थर्ड बार का, ठीक है। अब इसमें है क्या क्या ये भी देख लो। देखो भाई ये तो है अल्पिनो का, मैंने कल खोल दिया था वैसे, बट फिर भी मैंने ऐसे रखा हुआ था, अभी निकाला नहीं था सामान ताकि मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को, ठीक है। भाई दो स्टैक एक साथ अनबॉक्स कर रहा हूँ, देख लो वीडियो में, ठीक है। ये है अल्पिनो का सुपर म्यूसली हाई प्रोटीन, ये है अल्पिनो का सुपर ओट्स। भाई ये भी नहीं खरीदे जाते थे यार, म्यूसली व्यूसली लेने जाता था, कैलॉग्स ही लेता था मैं, 400 रुपये की आती थी ये तो। अरे तो पुराना वाला रखती, फिर ये वो पुराना वाला था तो मैंने चेंज कर दिया, ये आया था नया वाला इसके साथ, तो इसलिए बाहर निकाल के रख दिया था ना मैंने। तो ये है चॉकलेट पीनट बटर क्रंच, एक है नेचुरल पीनट बटर क्रंच, एक है अच्छा, एक है ये वाला डार्क चॉकलेट पीनट बटर स्मूथ। तो भाई ये है सारा अल्पिनो का सामान। तो भाई ये तो था मेरा अपना अल्पिनो का स्टैक था, और ये तीसरी बार है मेरे ख्याल से, या चौथी बार है, तीसरी या चौथी बार है। अब इनके लिए मेरे को करना क्या है, इनके लिए दो रील बनानी है, एक पोस्ट करना है और दो स्टोरी डालनी है। उसके लिए इन लोग का पूरा स्टैक आता है और एज इट इज़ का अभी आएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि एज इट इज़ का क्या क्या आ रहा है। मैं भाई वैसे तो बहुत खुश हूँ एज इट इज़ आ रहा है, इसलिए एज इट इज़ क्या आ रहा है, मतलब कोई सा भी ब्रांड अगर अच्छी उसका आता ना, मेरी तरफ से अगर आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो भाई मेरा कोड है अक्षत के एज इट इज़। ये कोड अप्लाई करके एज इट इज़ से आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा, जो उनका ऑलरेडी डिस्काउंटेबल प्राइस होगा उसके ऊपर से 10% डिस्काउंट और मिलेगा आपको अपने बाइक का कोड यूज़ करने पर। तो फिर अभी आउट फॉर डिलीवरी हो गया है, अभी आता है तो दिखाता हूँ, तब तक मैं जाके थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लूँ अपना और बाहर का व्यू चेकआउट करो यार। देखो अभी नई सोसाइटी में शिफ्ट हो गया एक्चुअली, मैं पुरानी वाली थी वो छोड़ दी, ये नई सोसाइटी है। भाई ये नहीं है, ये मेरी नई सोसाइटी से व्यू है, क्वाइट गुड। तो भाई फाइनली द वेट इज़ ओवर और मेरा स्टैक आ चुका है, बस पुरानी वाली सोसाइटी पे है, अभी नई वाली सोसाइटी का एड्रेस लगा नहीं है उसमें अभी 1-2 महीना लग जाएगा शायद, और जा रहा हूँ अभी नई वाली पुरानी वाली सोसाइटी में, दिखाता हूँ वहाँ पे पैकेज क्या है क्या नहीं है, फिर उसको घर ला के अनबॉक्स करेंगे। एक्सपेक्टेशन थोड़ा छोटा है पर ठीक है चल कर चले चले। ये है, ये अपना ये सब लिखा हुआ है इसमें, बाकी अभी इसकी अनबॉक्सिंग करवाएंगे मम्मी से। मम्मी ओ मम्मी आओ जरो, ये लो हैप्पी बर्थडे गा दे मम्मी। ये तो इसके बिल्स वगैरह शायद,
अच्छा ये वो है, क्या क्या सामान उन्होंने भेजा है, वो है भाई ये है मेरा पहला स्टील शेकर भाई, पहला स्टील शेकर लिटरली। मैंने इससे पहले स्टील शेकर इसलिए नहीं खरीदे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, 700-800 रुपए का एक स्टील शेकर आता है, और इसका प्राइस मैंने अलग से जब पूछा था तो 800-900 रुपए एक का था, आई थिंक 700-800 के आसपास कुछ था। पहला स्टील शेकर है मेरा ये, मैंने अब तक एक भी स्टील शेकर नहीं लिया है। देखो भाई एटम, ये हो गया अपना स्टील शेकर। तो ये है हमारा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, रुको हाँ ये एडवांस प्री वर्कआउट है, बट ये मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा है मेरे लिए अभी, बट चलाएंगे काम इसमें अभी। ये प्री वर्कआउट ब्लास्ट, ये अपना BCAA वे प्रोटीन फ्लेवर है, क्लासिक वेलवेट, शायद क्लासिक वेलवेट है भाई। पीनट बटर की पैकेजिंग बड़ी खास होती है यार, देखना नहीं भाई। भाई एक और पीनट बटर, एक पीनट बटर वो, एक पीनट बटर ये, बढ़िया। ये है हमारा एज इट इज का बैग, बढ़िया। अच्छा ये सप्लीमेंट रह गया भाई, ये L-glutamine और ये चक्कू। बैग भी अच्छा है यार, बैग भी मस्त दिया है। एज इट इज फ्रॉम द सोर्स, सब आ जाएगा इसमें, आ जाएगा। मेरे बैग से थोड़ा छोटा है बट ठीक है। तो भाई ये थे हमारे सारे प्रोडक्ट्स, आप लोगों ने देख ही लिए हैं, और अब एज इट इज से कुछ भी बाय करना हो तो अपने भाई का कोड अक्षत के एज इट इज का यूज़ ज़रूर करना और 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा पाना। इवन दो ऑलरेडी बहुत सारा डिस्काउंट चलता रहता है उनकी वेबसाइट पर, आप लोग जाओ एज इट इज की वेबसाइट पर चेकआउट करो, और जब भी कुछ खरीदना हो तो अपने भाई का कोड अक्षत के एज इट इज़ ज़रूर यूज़ करना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो यार नीचे कुछ, मुझे भी तो पता चले कि आप लोग को लग क्या रहा है, देख क्या रहे हो। अब तो मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस भी डाल रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, अब क्या करूँ, और क्वालिटी होती जाएगी धीरे धीरे अच्छी, क्योंकि अब जैसे प्रॉपर इस फील्ड में घुसेंगे तो फिर टाइम थोड़ा लगता है, बट चीज़ें इंक्रीज होते हैं, चीज़ें अच्छी होती जाती हैं, आपके पास थोड़ा नॉलेज आ जाता है तो ऑब्वियस है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, तब तक के लिए Stay tuned, keep hustling, keep working.